अब हम बात करते हैं मंगल क्षेत्र की। हथेली में मंगल क्षेत्र कहां स्थित होता है? आप जो जीवन रेखा से नीचे, बुध के नीचे से जो क्षेत्र देख रहे हैं, वहां से यदि हम एक सीधी लाइन मस्तिष्क रेखा तक ले जाएं और यहां चंद्र पर्वत से ऊपर अंगूठे के नीचे तक ये एक लाइन बना दें, वैसे तो इस पूरे क्षेत्र को मंगल का क्षेत्र कहा जाता है, किंतु विशेष रूप से जीवन रेखा के नीचे का यह क्षेत्र और चंद्र पर्वत के ऊपर का क्षेत्र, यह क्षेत्र और यह क्षेत्र ही मंगल पर्वत माना जाता है। अब क्योंकि यह अधिक ऊपर उठा होता है, इसलिए इसे उच्च मंगल कहा जाता है। और ये जो मंगल का क्षेत्र है, जो जीवन रेखा के अंदर शुक्र पर्वत के ऊपर है, बृहस्पति के नीचे और शुक्र के बीच में है, इस पर्वत को कहा जाता है निम्न मंगल। तो उच्च मंगल और निम्न मंगल, मंगल की यहां दो स्थितियां हैं। ये किस चीज का कारक है, किसका कारक है वो देखते हैं। मंगल जैसे कि हम जानते हैं योद्धा होता है, मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। तो मंगल क्योंकि योद्धा है, सेनापति है, साहस का प्रतीक है, शासन पर नियंत्रण का प्रतीक है। तो सबसे पहली बात तो साहस का प्रतीक है, वीरता का प्रतीक है, प्रतिरोध का प्रतीक है, धैर्यता का प्रतीक है और जिम्मेवारी का प्रतीक है। तो यदि किसी का ये जो उच्च मंगल है, जो कि चंद्रमा के ठीक ऊपर स्थित रहता है, यदि अच्छी तरह उठा हो, चंद्रमा के समान ही इसको ऊंचा होना चाहिए, ये दबा हुआ नहीं होना चाहिए, मांस की पोटली की तरह एकदम से ऊंचा उठा हुआ भी बहुत अच्छा नहीं होता है। तो यदि ये अपनी सामान्य स्थिति में है, अच्छा है, काफी उठा है, अच्छा उठाव लिए हुए है, तो यह प्रतिरोध जो है व्यक्ति का अच्छा रहता है, अनुचित बात का अच्छे से प्रतिरोध करता है, विरोध करता है, वीरता उसमें काफी पर्याप्त मात्रा में भरी होती है, वीरता दिखाता भी है, साहसी होता है, धैर्य अच्छा होता है, जल्दी अपना आपा नहीं खोता है, गुस्से पर नियंत्रण करना जानता है और जिम्मेवार होता है। यह तब होगा यदि उच्च मंगल अपनी अच्छी स्थिति में उभरा हुआ हो और चंद्रमा के समान ही ऊंचाई लिए हुए हो। यदि यह बहुत अधिक ऊंचा हो जाए तो यही गुण समस्या बन जाएंगे। अब ये सभी गुणों को अगर आप देखेंगे तो ये एक सैनिक के गुण हैं। हालांकि एक राजनेता यदि साहसी हो तो जल्दी सफल होता है, तो एक राजनेता का यदि मंगल ऊंचा है तो वो साहसी होगा, निर्णय लेने की क्षमता उसकी अच्छी हो जाएगी, तो ये एक बहुत शुभ गुण है। बहुत से नेताओं को ऐसा देखते हैं कि तुलना उनकी शेर से की जाती है या किसी एक बड़े साहसी व्यक्ति से उनकी तुलना की जाती है, किसी सेना के नायक से उनकी तुलना की जाती है, वो राजनेता अच्छे मंगल की स्थिति वाले राजनेता हैं। तो यहाँ जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध गलत काम का विरोध करना, प्रतिरोध करना, यह भी मंगल का ही गुण है। सेना में ऐसा व्यक्ति यदि मंगल उच्च का व्यक्ति सेना में है तो वह निश्चित रूप से बहुत अच्छा साहस दिखाता है, बहुत अच्छी कीर्ति उसकी रहती है, बहुत जल्दी वो तरक्की सेना में करता है, क्योंकि सेना के जो गुण चाहिए वो सभी गुण मंगल के गुण हैं जो सेना में होने चाहिए। तो एक सेना नायक के लिए बहुत अच्छा है कि अगर उसका मंगल ऊंचा है, और यदि उसका मंगल निम्न है, दबा हुआ है, ऐसा व्यक्ति सेना में है तो निश्चित रूप से वो पीछे हट जाएगा, भाग जाएगा, भगोड़ा हो जाएगा, क्योंकि दबा हुआ मंगल कायरता, डरपोक बनाता है, कायरता पैदा करता है। ऐसा व्यक्ति जिम्मेवारियों से भागता है, ऐसा व्यक्ति साहसी नहीं होता है, निर्णय लेने की क्षमता उससे प्रभावित होती है, तो ऐसा व्यक्ति निर्णय आसानी से नहीं ले पाता है, दूसरों पर निर्भर रहता है, दूसरों के पीछे रहकर काम करता है। तो यह निश्चित रूप से मंगल के निम्न होने पर व्यक्ति के साहस की कमी स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, जो उसके निर्णय में दिखाई देगी, उसकी भाषण शक्ति में दिखाई देगी, उसके स्वभाव में दिखाई देगी। और अगर ये बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाए, बहुत ज़्यादा ऊंचा होने पर साहस अति मात्रा में बढ़ गया है, और कहते हैं अति जो है बुरा होता है सब जगह, तो साहस बहुत अधिक मात्रा में होना, वीरता बहुत अधिक मात्रा में होना झगड़े की प्रवृत्ति पैदा करता है,
ऐसा व्यक्ति बिना किसी कारण के ही दूसरे के झगड़े में कूद पड़ता है और झगड़ने लगता है। दूसरा, ऐसा व्यक्ति लूटमार हत्या या डकैती आदि में भी अति साहसी व्यक्ति, जो कि साहस की सही सीमाओं को नहीं जानता है, उचित अनुचित का भेद खो देता है। तो यह भी एक समस्या है। मंगल का बहुत ऊंचा होना निश्चित रूप से अच्छा नहीं है। यह पागलपन की स्थिति पैदा करता है, क्रोध के पागलपन की स्थिति पैदा करता है, और ऐसे क्रोध के पागलपन की स्थिति में व्यक्ति हत्या कर देता है, काफी तरह के अपराध को गुस्से में कर देता है। जो गुस्से में अपराध करते हैं लोग, उनका मंगल काफी ऊंचा होता है, काफी ऊंचा उठा होता है। अगर हम बात करें यहां निम्न मंगल की, तो निम्न मंगल अति उत्साह, आत्मविश्वास और गुप्त शक्ति का प्रतीक है। आपके भीतर की गुप्त शक्ति, एक अंदर का छिपा हुआ साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है। यदि यह अच्छे से उठा हो, बहुत दबा ना हो, तो ऐसे व्यक्ति के भीतरी जो आत्मविश्वास होता है, आंतरिक आत्मविश्वास, जरूरी नहीं कि उसका प्रदर्शन करे, लेकिन आंतरिक आत्मविश्वास बहुत अच्छी स्थिति में होता है। जबकि इसके दबे होने पर ऐसा व्यक्ति अंदर से भीरू होता है। बाहर से हो सकता है वो साहसी दिख रहा हो सकता है वो किसी सेना में नायक हो, लेकिन वास्तव में भीतर वो बहुत डरता है, बहुत जल्दी वो घबरा जाता है। अगर ये निम्न मंगल शुक्र की ओर खिसक जाए, यदि निम्न मंगल शुक्र की ओर खिसक जाए, तो क्योंकि मंगल जो है, शुक्र जो है, वो नीति का प्रतीक है, तो ये कूटनीति अच्छी करता है, लेकिन कूटनीति की वजह से यह विवादों में भी पड़ता है। तो ऐसे व्यक्ति अच्छा कूटनीतिक हो सकता है, लेकिन कूटनीतिक व्यक्ति अक्सर विवाद को भी मोल ले लेता है। तो ये अति उत्साही होगा, यदि ये सामान्य स्थिति में है तो ये उत्साही होगा, आत्मविश्वास होगा, आंतरिक ऊर्जा होगी कार्य करने की। लेकिन यदि निम्न हो जाए, धंस जाए, तो ऐसे व्यक्ति की निर्णय शक्ति प्रभावित हो जाती है, अंदर से आत्मविश्वासी नहीं है, उत्साह नहीं है कार्य करने का। ऐसा व्यक्ति कार्य को आसानी से शुरू ही नहीं करता है, शुरू कर ले तो बीच में ही छोड़ देता है, पूरा करना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर इस पर बहुत सारी रेखाएँ हों, आड़ी रेखाएँ उसको बहुत सारी काटती हों, तो इसे मंगल दोष कारक भी माना जाता है। ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन भी काफ़ी मात्रा में प्रभावित होता है, यदि मंगल के इस हिस्से में बहुत सारी कटी फटी टूटन को देखा जाए तो। हस्तरेखा में इसे मांगलिक दोष की तरह ही माना जाता है। तो ये निम्न मंगल और उच्च मंगल के बारे में आपने पढ़ा। यदि मंगल दबा हो तो साहस, हिम्मत, वीरता या फिर जिम्मेवारी हम किसे कहते हैं, वो गायब हो जाती है। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है, यदि हम देखते हैं कि मंगल जो बहुत ऊंचा हो गया है, तो क्रोध जो है वो पागलपन की स्थिति में पहुंचेगा। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि वो हत्या, लूटमार, डकैती, अपराध में शामिल हो जाएगा। क्रोध पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। तो ये हमने मंगल के बारे में कुछ बातें पढ़ी। इसके आगे की यदि हम बात करते हैं, आपको ग्रहों के साथ सामंजस्य बिठाना होगा, ग्रहों की प्रकृति समझनी होगी। जब आप ग्रहों की प्रकृति को समझ लेंगे, तो कैसे आपको ये चीज़ें समझकर आपको निर्णय लेना है, उसमें आपको आसानी हो जाएगी। याद सब कुछ नहीं किया जा सकता। कभी कोई विद्वान ऐसा नहीं हुआ जिसने सभी योग, सभी गुणों को एक प्रकार से याद कर लिया हो। दूसरा, जो लोग रट लेते हैं वो प्रगति नहीं करते। रटने वाले लोग प्रगति नहीं करते हैं। प्रगति करने के लिए आपको चीज़ों को आत्मसात करना होगा। आत्मसात करने में आप उन्हें आसानी से समझ सकते हैं, आपको निर्णय लेने की आसानी होगी, और निश्चित रूप से आप एक सही भविष्यवक्ता बन पाएंगे। चंद्र पर्वत की स्थिति कहाँ होती है, कैसी है, वो जरा एक बार समझ लेते हैं। यहाँ से मंगल पर्वत के नीचे से ये क्षेत्र हाथ में, यहाँ बीच में गहराई रहती है, गड्ढा रहता है, तो यहाँ से इसको छोड़ते हुए गहराई को, जो उठा हुआ हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा यहाँ तक का मणिबद्ध तक, ये चंद्र पर्वत है। ये चंद्र पर्वत चंद्रमा का कारक है, चंद्रमा के गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा मन का कारक है, विचार शक्ति का कारक है, कल्पना का कारक है, एकाग्रता, माता, आदतें और व्यसन का कारक है चंद्रमा। जल का कारक भी है,
तो चंद्रमा की यदि हम बात करें, चंद्र पर्वत काफी उभरा हुआ होता है, हथेली में काफी उठाव लिए होता है। यदि यह बहुत ज्यादा ऊंचा उठा हो, आपको बिल्कुल मांस की पोटली की तरह दिखाई दे, तो इसे हम अति विकसित चंद्रमा कहेंगे, जो कि निश्चित रूप से बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन यदि यह सामान्य स्थिति में हो, विकसित स्थिति में हो, उन्नत हो, तो यह शुभ होता है, जबकि इसका दबा होना बुरा होता है। तो इनमें क्या होगा, ये गुण जो है, ये सभी गुण अच्छे होंगे यदि यह अच्छी स्थिति में होगा। यदि ये अति विकसित स्थिति में हो जाएगा तो यही गुण विकृति बन जाएंगे, और यदि ये दबा होगा तो ये सभी गुण लगभग गायब हो जाएंगे। तो मन की जो शांति है, चंद्रमा यदि उन्नत है, अच्छी स्थिति में है, तो मन बहुत शांत रहता है, प्रसन्न मन व्यक्ति होता है, उसकी विचार शक्ति बहुत अच्छी होती है, नए नए विचार पैदा कर सकता है, वैचारिक आविष्कार करता है, तो ऐसा व्यक्ति अच्छा दार्शनिक होता है, कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है। और इसीलिए जिनका चंद्रमा बहुत अच्छा होता है, उन्हें पूर्वाभास भी होता है, एकाग्रता बहुत अच्छी रहती है, ऐसा व्यक्ति ध्यान करते हुए मन लगता है, भक्ति में होता है, और भक्ति करने में उसका मन आसानी से स्थिर हो जाता है। माता का सुख अच्छा रहता है, और चंद्र पर्वत के ठीक होने पर मातुल पक्ष जो है वह भी अच्छा रहता है, उससे अच्छा सुख और सहयोग प्राप्त होता है। आदत अगर चंद्रमा अच्छा है तो ऐसे व्यक्ति को आदत आसानी से नहीं पड़ती किसी भी चीज की, उसका मन पर नियंत्रण है, वो जब चाहे वस्तुओं को छोड़ सकता है, जब चाहे ग्रहण कर सकता है, तो लत आसानी से नहीं लगती किसी चीज की, और ऐसा व्यक्ति व्यसनी नहीं होता है, बुरे व्यसनों में नहीं पड़ता है। लेकिन यदि इसके ठीक विपरीत हो, यानी कि चंद्रमा अति विकसित स्थिति में चला जाए, तो अब मनन शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो मनन शक्ति ज्यादा बढ़ जाने से ऐसे व्यक्ति का मन अस्थिर हो जाएगा, अस्थिर मन के कारण विचार शक्ति बढ़ जाती है, तो विचार बहुत ज्यादा आते हैं, ऐसा व्यक्ति अनावश्यक रूप से विचारों को करता रहता है, तो यह पागलपन की स्थिति तक विचार पहुंच जाते हैं। कल्पना शक्ति क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो कल्पना शक्ति अपने आप में एक समस्या पैदा करती है, और ऐसा व्यक्ति अति कल्पनावादी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति यदि उपन्यासकार साहित्यकार हो तो कुछ बेहतर, लेकिन यदि वो सामान्य व्यक्ति है तो पागलपन की तरह ही उसकी कल्पना शक्ति बढ़ जाती है। और एकाग्रता गायब हो जाती है, ऐसा व्यक्ति एकाग्र नहीं रह सकता, मन में बेचैनी ज्यादा होती है उसके। माता रोगी रह सकती है, स्वयं भी मानसिक विकृति, मानसिक रोग, उन्माद, बेचैनी, भूतोन्माद या पागलपन जैसे लक्षण हो सकते हैं। आदतें ऐसे व्यक्ति को जल्दी पड़ जाती हैं, और ऐसा व्यक्ति अक्सर कभी किसी तरह की आदत तो कभी किसी तरह की आदत से पकड़ लेता है, मन में स्थिरता नहीं है तो आदतें छोड़ना मुश्किल हो जाता है, व्यसन ऐसे व्यक्ति को जल्दी लगते हैं। अगर हथेली में चंद्र पर्वत दबा हुआ है, बहुत नीचे दब गया है, हथेली का यह हिस्सा बिल्कुल फ्लैट है, तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल चपटा जो हथेली का यह हिस्सा हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्योंकि मन काफ़ी विकृत हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति में विचार शक्ति बहुत नहीं होती, कल्पना शक्ति नहीं होती बहुत, ऐसा व्यक्ति बिल्कुल सामान्य जीवन जीता है, और कल्पना शक्ति के अभाव में नए कार्य करना, नए कार्य को संभाल पाना, नए विचार की क्षमता पैदा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सब चंद्र पर्वत के दब जाने पर होता है। चंद्र पर्वत दब हो जाए तो ऐसा व्यक्ति व्यसनी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो बहुत व्यसनी हो सकता है ऐसा व्यक्ति। दूसरा, क्योंकि एकाग्रता उसमें नहीं होगी तो उसका मन कहीं नहीं लगता है, रुचि वस्तुओं में कम होती है, और वह बिल्कुल पाश्विक सा जीवन हो जाता है। तो ये है तब जब चंद्र पर्वत दब जाए। अगर चंद्र पर्वत मंगल की ओर चला जाए तो अब साहस का मिश्रण हो जाता है चंद्रमा में,
और मन जो है कि शांत प्रकृति का मन होता है और चंद्रमा की ओर चले मंगल के गुण ले लेने पर ऐसा व्यक्ति उग्र स्वभाव का हो जाएगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, बेचैनी ज़्यादा होगी और झगड़ालू सी प्रवृत्ति का हो जाएगा। यदि चंद्रमा खिसक कर शुक्र की ओर चल जाए, शुक्र की ओर खिसका हो, अगर ऊंचाई जो है जो उभार है वो हथेली के किनारे पर ना होकर शुक्र पर्वत की ओर खिसक जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में व्यक्ति शुक्र के गुण हावी हो जाएंगे। ऐसा व्यक्ति अति चंचल होगा, मन से बहुत बेचैन होगा, कभी संतुष्ट नहीं होगा, वासनात्मक होगा, संभोग की इच्छा अतीव होगी और ऐसी स्थिति में यह एक तरह का वासनात्मक पागलपन दिखाई देगा। यदि चंद्र पर्वत पीछे से अधिक उभरा है, यानी कि हथेली के पिछले हिस्से पर आपको उभरी हुई मांसल गांठ सी दिखाई दे, अधिक उभरा हुआ है जो कि सामान्यतः नहीं होता है, अगर ऐसा हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को आदत जल्दी पड़ती है। ऐसा व्यक्ति सामान्यतः मैंने देखा है व्यसनी हो जाता है और ऐसे व्यक्ति की मन पर नियंत्रण की क्षमता भी कुछ कम रहती है। तो ये चंद्रमा का दूसरा गुण हुआ। चंद्रमा जल का कारक है। जिन लोगों का चंद्रमा बहुत शुभ है और उस पर बहुत विशेष शुभ लक्षण होते हैं मौजूद, उनकी समुद्री यात्रा या जलीय यात्राएं ज्यादा होती हैं। ये जल के संबंधित कार्य करने पर विशेष क्षमता विशेष सफलता मिलती है। क्योंकि चंद्रमा कल्पना शक्ति का प्रतीक है तो चंद्रमा अच्छे होने का मतलब साहित्य या उपन्यास में अच्छी सफलता ऐसे व्यक्ति को मिल जाती है। उपन्यास लिखने के लिए कल्पना शक्ति की आवश्यकता पड़ती है जो इन व्यक्तियों में अच्छी होती है। लेकिन अगर इसके विपरीत देखा जाए, काव्य, काव्य जो कि सौंदर्य बोध को दर्शाता है, चंद्रमा सौंदर्य प्रकृति के प्रति प्रेम इसको बढ़ा देता है। सौंदर्य के प्रति प्रेम, प्रकृति के प्रति प्रेम और अपनी कल्पना शक्ति द्वारा उस सौंदर्य की अनुभूति करना, ये चंद्रमा का विशेष गुण होता है। इसलिए जिन भी लोगों का चंद्रमा बहुत अच्छा होता है वो उनकी काव्य शैली बहुत अच्छी होती है। यदि चंद्रमा के साथ साथ बुध भी अच्छा हो तो लेखन में प्रसिद्ध होते हैं, बहुत बहुत अच्छे रहते हैं। लेकिन यदि केवल चंद्रमा अच्छा है तो ऐसा व्यक्ति कवि हृदय का होता है और साहित्यकार अन्य प्रकार से वो बनता है, लेकिन उतना अच्छा उपन्यास या कहानी लेखन नहीं कर सकता। किंतु कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होने के कारण, प्रेम का अनुभव बहुत अच्छा होने के कारण, सौंदर्य का अनुभव बहुत अच्छा होने के कारण ऐसा व्यक्ति कवि बहुत अच्छा होता है। तो आप देखिएगा, ऐसा व्यक्ति, जो भी व्यक्ति कविताएं लिखते हैं, काव्य में बहुत रुचि है उनकी, उनका चंद्रमा आपको बहुत सुंदर, बहुत अच्छी स्थिति में दिखाई देगा। तो अगर चंद्र बुध दोनों हो जाएं तो और भी अच्छी स्थिति है। चंद्रमा को हम आत्मानुभूति या पूर्वानुभूति का भी कारक मानते हैं, यानी कि चंद्रमा इंट्यूशन, जो हमारी छठी ज्ञान इंद्री है, उसकी जागृति दिखाता है। तो चंद्रमा अच्छा होना किसी भी व्यक्ति को पूर्वाभास या पूर्वानुमान के लिए अच्छा फल देता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति पूर्वानुमान लगाता है। एक रेखा, जिसको मैं रेखाओं के दौरान बताऊंगा, अगर कोई रेखा चंद्र पर्वत से बुध की ओर चली जाए, इसे अतीन्द्रिय रेखा या फिर इंट्यूशन लाइन भी कहते हैं। अब चंद्रमा और बुध दोनों जुड़ जाएं एक रेखा द्वारा, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा भविष्यवक्ता होता है और बहुत प्रकार की भविष्यवाणियां वो जीवन में कर सकता है, करता है। ऐसा बहुत से लोगों के हाथों में देखा गया है। ऐसे लोग जो बहुत बड़े भविष्यवक्ता हुए हैं, उनमें ये लाइन ऑफ इंट्यूशन दिखाई दी है। बहुत से सन्यासियों में या बहुत से ऐसे लोग जो ईश्वरानुभूति कर चुके हैं, उनमें भी लाइन ऑफ इंट्यूशन काफ़ी दिखाई देती है। लेकिन चंद्र पर्वत बहुत अच्छा होने का आवश्यकता है यदि आप आध्यात्मिक उन्नति अच्छी करना चाहते हैं। ठीक है, चंद्रमा की उपासना, पूजा, जलीय वस्तुओं का अधिक प्रयोग, चांदी, श्वेत मोती, ये सब आपके चंद्रमा के गुणों को बढ़ा सकते हैं। तो वो हम अलग से लास्ट में, मैं जब आपको पूरा हस्तरेखा बता दूंगा तब आपको बताऊंगा कि हाथ के अनुसार हमें उपाय कैसे करना चाहिए, क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं, वो हम अंत में इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल मैंने बताया आपको चंद्र पर्वत के बारे में, और चंद्र पर्वत के लोग सामान्यतः शिव उपासक पाए जाते हैं, ये भी एक बड़ी आश्चर्यजनक बात होती है। शिव के प्रति उनकी सहज भक्ति होती है। शिव या ईश्वर का अलौकिक रूप, जो किसी भी धर्म में अन्य प्रकार से हो सकता है, प्रकाश पुंज को पूजने वाले लोग भी अक्सर चंद्रमा उच्च के स्थिति में देखे गए हैं। गुरु और चंद्र यदि दोनों अच्छे हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मानुभूति करता है।
लेकिन यदि बुध और चंद्रमा बहुत अच्छे हैं और दोनों में आपस में किसी भी तरह का जुड़ाव है तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा भविष्यवक्ता होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा ज्योतिषी होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा हस्तरेखा जानकार होता है, तो ये उसकी विशेषता रहती है। हस्तरेखा के बारे में हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हस्तरेखा में निरंतर शोध किए जा रहे हैं, निरंतर लोग तरक्की कर रहे हैं, आप नए नए शोध करके नई नई चीज़ें खोज सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में 800 वर्ष का जो हमारा गुलामी का शासनकाल रहा है, 800 वर्ष, 1000 वर्ष का, इस बीच हमने काफ़ी कुछ खो दिया है। सामुद्रिक शास्त्र को बहुत भारी नुकसान इस समय में हुआ है। हालांकि अभी भी बहुत सारे हमारे प्राचीन ग्रंथ बचे हैं, लेकिन जो महान ग्रंथ थे वो गायब हुए हैं। इसका निश्चित रूप से हम मान सकते हैं कि बहुत से ऐतिहासिक ग्रंथ, बहुत से सामुद्रिक शास्त्र के ग्रंथ और बहुत से ऐसे ज्योतिषीय ग्रंथ, वेद की ऐसी बहुत सारी शाखाएं जो कमाल का अध्ययन था, जिनमें हस्तरेखा और ज्योतिष के बारे में, वो लुप्त हो गई हैं, गायब हो गई हैं या नष्ट कर दी गई हैं। तो उन शासनकाल में जो नष्ट हुआ उसे पुनः प्राप्त करने के लिए विद्वानों को शोध करना होगा। मुझे उम्मीद है आप इस शोध में अपना सहयोग करेंगे, बहुत सारे हाथों का अध्ययन करें और जब आप कोई नई चीज़ खोजें तो उसे हर एक व्यक्ति को साझा करें, क्योंकि ज्ञान जितना प्रसारित होगा उतना अधिक और बढ़ेगा। तो मुझे उम्मीद है आप इस ज्ञान के प्रसार में बहुत सहयोग करें।